हाय ऑल ऑफ यू, आज हम बात करेंगे यूनियन सर्विस कमीशन में आए हुए वैकेंसी के बारे में, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी आए हुए है। इसका स्टार्टिंग डेट अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई का 30/10/2019, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अप्लीकेशन फॉर्म 19/11/2019 शाम के 6 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। टेक नॉन टेक दोनों इसमें है वैकेंसी। UPSConline.nic.in वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी का। हम बता चुके हैं 19 नवंबर 2019 6 PM तक अप्लाई कर सकते हैं इस अप्लीकेशन फॉर्म को। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में, और भी जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे वैकेंसी की बात करते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना कितना। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 100 है, इंडियन नेवल एकेडमी में 45 पोस्ट है, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में 32 है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास में 225 है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 16, टोटल 418 है। अच्छा, जो लोग डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा वैकेंसी आया हुआ है ऑफिसर ग्रेड का। और इसमें भी नहीं दिया हुआ है, इसमें यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया के अलग अलग सिटीज में, यहाँ पे देख सकते हैं, उस हिसाब से आप भर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसका उम्र सीमा यहाँ पे दिया हुआ है, अनमैरिड होना चाहिए, अनमैरिड इंडियन मिलिट्री सर्विस में अनमैरिड कैंडिडेट यानी कि 2 जनवरी 1997 के से ज़्यादा नहीं, कम नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, से 2002 तक। इंडियन नेवल एकेडमी में भी वही है, 2 जनवरी 1997 और 1997 और 1 जनवरी 2019 एलिजिबल। इंडियन एयरफोर्स में 1 जनवरी के बाद से 20 से 24 ईयर के बीच में आपको होना चाहिए। इस तरह और भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एडुकेशन क्वालिफिकेशन। इंडियन मिलिट्री सर्विस ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड डिग्री होना आपके पास चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी डिग्री इन इंजीनियरिंग डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी में डिग्री ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से 12th होना चाहिए या बैचलर इंजीनियरिंग से। और भी है इसका एप्लीकेशन फीस 200 है। और बाकी सब डिटेल आप देख सकते हैं इसका वेबसाइट में जाके। थैंक यू।